तो यहाँ पे देखिए ये मेटाडोर जो है वो बिल्कुल अपने ट्राई ट्रैक से साइड हो चुकी है। नमस्कार, जितने भी हमारे चैनल के दर्शक हैं सभी को नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं आपका अपना दोस्त साथी हूँ प्रदीप शर्मा। तो एक बार फिर से हम जेडी रोड की अपडेट लेके आपके बीच हाजिर हुए हैं। जिस तरह से कल की बात करते हैं, कल बारिश हुई और बारिश के बाद रोड की सूरत हाल के बारे में आपको बता दें कि इस समय क्या सिचुएशन है, क्योंकि इससे ये ब्लैक टॉपिंग जो पहले का हुआ था उसके ऊपर मिट्टी वगैरह डालने से इस समय क्या सिचुएशन बनी हुई है। जो भी गाड़ियां जहां से जा रही हैं उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ये पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ गाड़ियां जो है वो खड़ी भी हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ की क्या सिचुएशन है इस समय, क्योंकि जो भी गाड़ियां जहाँ से जा रही हैं काफ़ी स्लिप हो चुकी है, चाहे छोटी गाड़ी हो चाहे बड़ी गाड़ी हो, काफ़ी दिक्कत का सामना इस समय करना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं इसकी सबसे बड़ी वजह जो है ब्लैक टॉपिंग के ऊपर जिस तरह से मिट्टी डाली गई है वो सबसे बड़ी वजह है। तो ये आप कुछ तस्वीरें जहाँ यहाँ पर बस तो यहाँ पे एक डंपर को आते हुए आप देख रहे होंगे, बिल्कुल उस डंपर जो है वो अपने ट्रैक से भी थोड़ा हट के जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये मेटाडोर जो है वो बिल्कुल अपने ट्राई ट्रैक से साइड हो चुकी है। ये देखिए बिल्कुल भी जहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर लगे हुए हैं उनसे भी हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इस ब्लैक टॉपिंग के ऊपर इस तरह की मिट्टी ना डालें, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई बड़ा हादसा होने का अंदेशा है। अगर और थोड़ी सी भी बारिश होती है, जिस तरह से मौसम विभाग की माने तो बारिश हो सकती है अभी भी, वो इस हिसाब से यहाँ पे जो है वो काफ़ी दिक्कत बढ़ सकती है, कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। तो जहाँ जहाँ भी ब्लैक टॉपिंग हुई है उसके ऊपर जिस तरह से मिट्टी के साथ फिलिंग की गई है वो काफ़ी ख़तरनाक है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी जो भी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर लगे हुए हैं कि वो इस चीज़ को देखिए। और बिल्कुल इस समय हम बता दें कि कांस ब्रह्मणा क्षेत्र है जहाँ पे वहाँ के बिल्कुल उस साइड पे हैं, लास्ट यहाँ से उस साइड पे हैं, इसके बाद जेडी पंचायत का इलाका शुरू होता है। तो काफ़ी सिचुएशन जहाँ पे ख़राब बनी हुई है।